आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। उसका नाम है सच्चा दोस्त। एक बार की बात है, एक हाथी था, तो कोई दोस्त नहीं बनता था। एक दिन उसको एक बंदर दिखाई दिया। वो बंदर से पूछता, बंदर भाई आप क्या मेरे दोस्त बनो दे क्या? तो बंदर भाई बोलते, आप तो इतने बड़े हो, आप क्या मेरी तरह पेड़ पे चढ़ सकते हो? तो मैं आपका दोस्त ऐसे बन सकता हूँ। तो वही देख उसको एक खरगोश दिखाई देते। वो खरगोश से बोलते, खरगोश आप क्या मेरे दोस्त बनो दे क्या? तो दोस्त बोलते कि आप तो इतने बड़े हो, आप क्या मेरे घर में आ सकते हो? तो मैं आपका दोस्त ऐसे ही बन सकता हूँ। तो एक दिन हाथी तो एक मेंढक दिखाई दिया। वो मेंढक से पूछता है, मेंढक आप क्या मेरे दोस्त बनो दे क्या? तो मेंढक बोलते हैं, मानो या मानो ना, मैं तेरा मेहमान, आप क्या मेरी तरह फुदत फुदते चल सकते हो? तो मैं आपका दोस्त ऐसे ही बन सकता हूँ। तो हाथी तो एक दिन लोमड़ी दिखाई दी। वो लोमड़ी से पूछता, लोमड़ी आप क्या मेरे दोस्त बन सकते हो? लोमड़ी बोलती, आप तो इतने बड़े हो, अगर मैं तो आपके पैर के नीचे भी आ गई तो मेरी तो चटनी बन जाएगी। तो हाथी उदास होता है। तो अगले दिन सारे जानवर यहाँ वहाँ भाग रहे होते। तो हाथी पूछता लोमड़ी से कि सारे जानवर यहाँ वहाँ बात क्यों हो रहे हैं? तो लोमड़ी बोलती, पीछे शेर है, वो हमें कच्चा चबा जाएगा। तो जैसे ही शेर ने खरगोश तो पकड़ा, वैसे ही हाथी ने लात मारी।